people that I lost in different parts of my tenure as a commanding officer, that haunts me. Ek unwritten code hai. If something were to happen to him, I will pull his body out. Will my body get back to my family? It's impossible for a man to just give up his life. Jo apni jaan dene aaya hai, usko pata hai ki uski body wapas nahi jayegi. Intelligence aur IQ ka kya role hai SF mein? Every single SF soldier to be brave, right? It is all about the electronic medium. I don't think if I made the police commissioner, I will survive for more than a couple of days. Woman is being abused by her husband. अपना लक्ष्मण रेखा क्या है जो आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना के बराबर है? बिगेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी. इट कुड मीन अ फैंटास्टिक सक्सेस, इट कुड मीन ट्रेमेंडस फेलियर. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द सिलेबस ऑफ लाइफ. मेरे आज के गेस्ट हैं कर्नल सुबिन बालाकृष्णन, 21 पैरा SF के लीडर रहे हैं वो. ही इज कंडक्टेड मेनी ऑपरेशन हिमसेल्फ. बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, बहुत वेल एजुकेटेड, वेल रेड, इलोक्वेंट. Comes off as a scholar, but in fact is a warrior, and he has been able to wear many hats in his life. तो आज मैं सर से जो बातें करूँगा थोड़ी different nature की होंगी वो. एक तो my objective will be to get a glimpse into his mind, into his psyche, deep into his beliefs. अगर सर मुझे वो privilege दें तो I will try to unearth some things. दूसरा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो transborder operations होते हैं, behind enemy lines, उनके बारे में ज़्यादा information नहीं है, उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता. सर से खुल के बात करने की कोशिश करेंगे उसके बारे में. जितना वो बता पाएंगे उतना सीखेंगे और समझेंगे. लेट अस गेट राइट इन टू इट. बट बिफोर वी डू, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. आपके सब्सक्रिप्शन से एक तो यू बिकम इंटीमेटली कनेक्टेड टू अस. जैसे ही कोई नया एपिसोड अपलोड होता है यू गेट टू नो, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है. सेकेंड, इट मैटर्स टू अस. हमारे मोराल के लिए और पूरे के पूरे टीम के लिए इट डज मैटर. एक पॉजिटिव साइन होता है और हमको मन करता है कि हम और बनाते रहें अच्छे अच्छे. वी कीप ऑन you know upping the ante, we keep on increasing our level. तो वो हमारे लिए matter करता है. Please do subscribe. Without further ado, let's get into the conversation. Let's begin. Welcome, Colonel Subin, to this podcast. Thank you so much for coming. Thank you, Ravi. Pleasure to be here. You have led para SF teams. आपकी क्या leadership style थी? Passion for the work. कि जो काम है वो करके कंप्लीट करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कुछ भी करना पड़े. बट एट द सेम टाइम काम तभी कंप्लीट हो सकता है जब आपके साथ में जो लोग साथ में काम कर रहे हैं उनका देखभाल हो. सिर्फ उनका नहीं, उनके फैमिलीज का भी. एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग है क्या चीज़, राइट? इट इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स. आपका रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, विद हिज फैमिली, उसका आपने अगर केटर फॉर नहीं किया है देन इम्पैक्ट कहीं ना कहीं काम के ऊपर आएगा ही आएगा. सो द मोमेंट दैट मैन इज़ क्लियर, उसको अगर पता है कि साहब मेरा जो है, अगर मेरे को कुछ हुआ तो माई बॉडी विल बी रिट्रीव्ड, नंबर वन. एंड नंबर टू, माई बॉडी विल रीच माई फैमिली एंड देयर आफ्टर दे विल बी टेकन केयर ऑफ. अगर ये तीन चीज़ें अगर है तो बंदा जान दे देगा तुम्हारे लिए. अगर नहीं तो तुम कुछ भी करते रहो, तुम फंदे कहाँ बन जाओ, लेकिन काम नहीं पूरा होगा. सो दिस एंड इट इज़ नॉट, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है कि मैं उसके लिए करूं, वो भी वही करेगा मेरे लिए. एंड देयर आर सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज, आगे चलते यू नो वी विल टॉक अबाउट दोस स्टोरीज. सर प्लीज टेक द लीड एंड बताइए जो आप बेस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपके माइंड में. नहीं, सो देयर इज नो बेस्ट, देयर आर सो मेनी स्टोरीज, हजारों में है स्टोरीज. बट आई जस्ट, एज जो सवाल जो आप पूछ रहे थे उसमें मेरा ट्रिगर हुआ. एंड आई थिंक अर्लियर भी आई हैव स्पोकन अबाउट दिस, बट यू नो आई थिंक इट्स सच अ पावरफुल स्टोरी एंड आई हैव रिटन अबाउट दिस ऑल्सो. मेरा एक आर्टिकल भी मैंने इसके ऊपर लिखा है कि मेरा जो फर्स्ट फायर फाइट हुआ था, राइट, जस्ट लाइक योर फर्स्ट लव, यू ऑलवेज रिमेंबर योर फर्स्ट फायर फाइट. द फर्स्ट फायर फाइट इज कुपवाड़ा कश्मीर में हुआ था ये. एंड प्रोबेशन करके मैं यूनिट में पहुँचा ही था, तो जो जज्बा होता है ना कि कुछ करना है कुछ करना है, वो लगातार यू नो इट्स देयर इन योर माइंड. एंड तो ईच टाइम वी वुड गो आउट कि अब होगा अब होगा अब होगा. हिस्ट्री सेड दैट इस एरिया में बहुत है, मिलिटेंसी है, और एक्शन 100% होगा. एंड आई थिंक इट वाज अबाउट प्रोबेबली अ वीक 10 days आफ्टर आई completed my probation, I was deployed to Kupwara. तो लोलाब करके एक जगह है, इट्स अ स्मॉल वैली इन कश्मीर.
एंड उसमें मिलिटेंसी व्हाट इट वाज़ इट इट्स पीक. तो ये गढ़ है, मिलिटेंस का गढ़ है, तो और वो छोड़ना नहीं चाहते. इनफैक्ट लोलाब के बारे में जिन्होंने सुना नहीं है, द नेम लोलाब LOLAB, तो हमने एक एक्रोनिम बना रखा था इसका, लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी, बिकॉज द स्वीटेस्ट एप्पल्स ग्रोज देयर. कश्मीर के यू नो द प्रिटीएस्ट गर्ल्स दे लिव इन लोलाब, एंड द फियर्सेस्ट मिलिटेंट्स दे वुड ऑपरेट देयर. तो मतलब ऐसे बंदे के लिए और क्या चाहिए, फियर्सेस्ट मिलिटेंट जहाँ पे पहुँच जाओ टाइप. सो वी वहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे थे. सो वी वेर क्लाइंबिंग अप अ माउंटेन एंड नाउ आई कैन टेक नेम्स बिकॉज दोनों रिटायर हो गए हैं, सत्य और लक्ष्मण, सत्य सिंह और लक्ष्मण वेयर माई स्काउट्स. एंड वो मतलब आफ्टर दैट वी वर लाइक वेडेड टुगेदर. कई सालों तक हमने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ऑपरेशन वी डन टुगेदर. बट उसमें जब हम क्लाइंब कर रहे थे तो लेफ्ट और ऊपर से जो है सडनली, एंड दिस वॉज अराउंड प्रॉब्ली 7 o'clock इन द मॉर्निंग, तो मिलिटेंट्स ने ओपन किया फायर. हमने वी हैड नॉट पिक दम अप. ओके, तो एक एक का बर्स्ट वो क्लियरली पता लग जाता है कि ये मिलिटेंट फायर है करके, एंड इट वॉज एट शॉर्ट रेंज, प्रॉब्ली अबाउट 75 meters or so. तो जैसे वो फायर खुला तो ये मसल मेमोरी का जो आप पहले भी हम बात कर रहे थे मसल मेमोरी का, तो फर्स्ट थिंग इज यू हिट द ग्राउंड. तो जो लीड स्काउट है वो अपना वेपन लेकर के ही फायर्स बैक, एंड द रेस्ट हिट द ग्राउंड एंड ट्राई टू लोकेट कि कहाँ से आ रहा है फायर, एंड देन यू ऑल टर्न टू दैट साइड एंड स्टार्ट फायरिंग. तो कंट्रोल्ड फायर होता है वो. तो वो तो किया, लेकिन यू नो व्हाट आई कॉल कि फायर फाइट वर्जिन, आई वॉज अ फायर फाइट वर्जिन, कि पहली बार हो रहा है हमारे साथ. नो मैटर तुमने रेंज के ऊपर कितने हजार राउंड फायर किए हैं और कितने महीने तुमने लगातार ट्रेन किया है, बट दैट लाइव फायर जिसमें उल्टा वो भी फायर कर रहा है और ही वॉन्ट्स टू किल यू, दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर. तो आई फ्रोज फॉर आई थिंक फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स और मे बी 30 odd seconds. टाइम बिकम्स अनडिफाइंड उसमें ना, पता नहीं लगता कि टाइम कितना हुआ है, वो यू लूज द सेंस ऑफ टाइम. तो एज वी हिट द ग्राउंड एक पेड़ पड़ा हुआ था वहाँ पे, तो पेड़ के पीछे आड़ लिया हमने एंड फायर जारी था, एंड वी रिटर्न फायर ऑल्सो. बट आई डिड नॉट रियलाइज इट, डिस्पाइट इतना ट्रेनिंग करने के बाद भी आई डिड नॉट रियलाइज इट दैट ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ माई बॉडी वॉज एक्सपोज टू द फायर. ऑल्दो आड़ के पीछे थे बट बॉडी का पोजिशन ऐसा था कि यू कुड हैव टेकन अ हिट. सो दिस गाय सत्य सिंह, उसने क्या किया, पकड़ा मेरे, ही जस्ट गॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल ही गॉट अप बिकॉज अदरवाइज ही कुड हैव नॉट डन एनीथिंग. पकड़ा पीछे से डांगरी, पीछे से पकड़ करके उठा करके जैसे पहलवान करते हैं, ही टॉस्ड मी ओवर. तो दैट प्रॉब्ली इट मस्ट हैव टेकन अबाउट 5 to 7 seconds लगे होंगे, बट ही एक्सपोज्ड हिज बॉडी टू फायर, राइट. और मेरे को तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या है, यू नो, विद इन अगले 10-15 seconds में यू टेक अ ब्रेक एंड यू देन यू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है. बट एनीवे फायर फाइट हुआ एंड देन वी गॉट बैक टू कैंप लेटर ऑन. तो डीब्रीफिंग वगैरह होने के बाद में इसको मैंने साइड पे लेकर गया और मैंने पूछा, भाई यू एक्सपोज योरसेल्फ टू फायर, यू कुड हैव गॉट हिट. तो ही स्माइल्ड, बोला कुछ नहीं, एंड देन मैंने प्रॉडेड हिम कि साला किया क्यों तूने. तो ही जस्ट आस्क मी अ सिंपल क्वेश्चन, साहब अगर आप मेरे को देखते क्या आप नहीं करते. इन हिज माइंड इट वॉज वेरी क्लियर कि यार दिस इज नथिंग सो बिग अ डील. ही वॉज क्लियर इन हिज माइंड दैट एज एन SF टीम कमांडर और अ ट्रूप कमांडर एट दैट स्टेज, ही एक्सपेक्टेड मी टू बी डूइंग द सेम थिंग. तो दैट्स अ लेसन जो है जो दिमाग में उस टाइम के ऊपर बैठ गया और वह जिंदगी भर मैं भूला नहीं हूँ कि दिस इज द एसेंस ऑफ SF. कि भाई द एक्सपेक्टेशन इज कि मैं तुम्हारे लिए करूँगा, आई एम विलिंग टू टेक अ बुलेट फॉर यू एंड आई यू ब्लडी विल डू द सेम फॉर मी. इसमें देर इज नो कॉम्प्रोमाइज. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू live and learn and you know you carry forward. Yes, and thankfully now because of these formats, these incidents inspire so many other people, inspire them in the right way and inspire them on the right context, the right type of ideas rather than being inspired by some other things which are not so productive. Ye baatein sunke wo to I am very grateful and I have a privilege to be speaking about this, but sir I want to backtrack a little bit.
एंड आस्क अबाउट दिस होल फैसिनेशन अबाउट SF जब से स्टार्ट हुआ है ये, और आपने बताया कि आपकी टीम ट्रांस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक्स आपकी टीम करती, एंड यू हैव बीन डिप्लॉयड बिहाइंड एनिमी लाइन्स इन इंटरनेशनल बॉर्डर्स. और जब 2015-16 का जो एक सर्जिकल स्ट्राइक था बहुत फेमस वो हुआ, तो 9 पैरा SF पब्लिक के डोमेन में आ गया और बहुत फेमस होने लगा, और तब से वो फैसिनेशन चलती चली जा रही है, विच इज़ आई थिंक नाउ डे स्पीकिंग, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. सर, वॉट कैन यू टेल अस अबाउट दैट, एंड वॉट कैन यू टेल अस अबाउट दीज ट्रांस बॉर्डर टाइप ऑपरेशन जिसमें हम बिहाइंड एनिमी लाइन्स जा रहे हैं, डिप्लॉय हो रहे हैं, और कोई सपोर्ट नहीं है वहाँ पर. हाउ इज़ दैट डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग विद इन द बॉर्डर्स? वॉट आर द यूनिक चैलेंजेस? हाउ फ्रीक्वेंटली डज इट हैपन? एंड एनी थिंग दैट यू विश टू शेयर यू कैन शेयर, प्लीज डू सो. तो रवि, ये यू नो, ये 2015 और 2016 का जो दो इवेंट हुए, एक तो जो सर्जिकल स्ट्राइक टर्मिनोलॉजी सर्जिकल स्ट्राइक अभी दे रहे हैं हम, बट इट्स अ क्लासिक ट्रांसबॉर्डर ऑपरेशन जो म्यांमार में हुआ था, दैट वॉज कैरिड आउट बाई माई यूनिट 21 पैरा, एंड इन फैक्ट इट वॉज माई ओन टीम. और उसके बाद 2016 में 9 पैरा ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया POK में. बोथ ऑफ दिस, लाइक यू सेड, इट प्रोपेल्ड द आइडिया ऑफ स्पेशल फोर्सेज, एंड यू नो इट बिकेम अ हिट. पीपल वॉन्टेड टू लर्न अबाउट इट, वॉन्टेड टू हियर अबाउट इट, नो अबाउट इट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट एक्चुअली जो है, एंड इन अ नंबर ऑफ अर्लियर पॉडकास्ट एंड पीपल जनरली स्पीक अबाउट ऑपरेशंस एंड इंसिडेंट्स दैट हैपन इन द हिंटरलैंड, राइट, कश्मीर में हो चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, एंड दीज आर ऑल गुड, वेरी नाइस ऑपरेशंस दैट आर कैरिड आउट. बट प्रोफेशनली स्पेशल फोर्सेस, वाई इज इट कॉल्ड स्पेशल? ये तो इन्फेंट्री यूनिट भी कर सकता है, RR यूनिट भी कर सकता है. तो स्पेशल फोर्सेस का जो रैशनल है वो ये है कि स्मॉल टीम्स, 4-5 लोग, 6 लोग एंड मल्टीपल्स ऑफ दैट, 5 का टीम बन गया, 5 के 2 टीम बन गए तो 10 आदमी हो गए, वगैरह वगैरह. सर, इफ आई मे आस्क, व्हाई मल्टीपल्स ऑफ 4 or 5? इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ मिशन. ओके, आपका टास्क क्या है, उसके लिए आदमी कितने लगेंगे. ठीक है, अगर इफ इट इज अ वेरी पिन पॉइंटेड स्पेसिफिक छोटा वाला टारगेट है तो यू प्रॉब्ली विल सेंड 5 आदमी. अगर टारगेट बड़ा है, मल्टीपल सब टास्क हो जाते हैं उस मिशन को पूरा करने के लिए, तो देन यू हैव मल्टीपल्स ऑफ दैट. तो माय क्वेश्चन इज, व्हाई द नंबर 5? इज इट बिकॉज दे हैव स्पेशलाइज्ड रोल्स? हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड आई एम ग्लैड यू आस्क्ड द क्वेश्चन. कि SF का बेसिक फिलॉसफी क्या है? बिकॉज दे आर सपोज टू बी कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल टीम्स, दैट इज द बेसिक फिलॉसफी स्पेशल फोर्सेज का. तो उसमें व्हेन यू आर डिप्लॉयड बिहाइंड एनिमी लाइन्स, डीप बिहाइंड एनिमी लाइन्स, तो कोई सपोर्ट नहीं है, राइट? यू डोंट हैव अ प्लेटून, अ कंपनी, अ बटालियन, अ ब्रिगेड, अ डिवीजन. जो फौज का स्ट्रक्चर है वो कोई सपोर्ट के लिए नहीं है. तुम एक बार तुम्हें ड्रॉप किया है, उसके बाद तुम अपने, यू आर ऑन योर ओन, अपने बल पे काम करो और वापस आना है, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन में और वापस उठाने के लिए एक्सफिल्ट्रेशन में मदद मिल सकता है, राइट? देयर कुड बी अ चॉपर कमिंग इन, देयर कुड बी सम अदर मोड, वगैरह वगैरह. बट फॉर दैट पीरियड ऑफ दैट ऑपरेशन, वेदर इट इज 24 hours, 48 hours, 72 hours और मच मोर, उस टाइम के लिए तुम अकेले हो. अगर कुछ होता है तो तुमने अपना बंदोबस्त करना है. दिस नीड्स अ लॉट ऑफ स्पेशलाइज स्किल्स, राइट? स्पेशलाइज स्किल्स इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, नेविगेशन, राइट, कम्युनिकेशन, डेमोलिशंस, एक्सप्लोसिव वाला इक्विपमेंट जो है. सो दी 5-man स्क्वाड ऑफ द स्पेशल फोर्सेस, 5 आदमी का जो स्क्वाड बनता है, हर एक आदमी जो है, ही इज अ मास्टर एट वन ऑफ द स्किल्स. सो व्हाट आर द 5 स्किल्स? 5 स्किल हैं, एक है डेमोलिशन, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, मेडिकल्स एंड वेपन्स. तो हर एक आदमी जो है मास्टर है एक स्किल के ऊपर, और दूसरा आदमी जो है वो उसका सेकेंडरी, जस्ट इन केस उसको कुछ हो जाता है तो ही शुड हैव अ वर्किंग नॉलेज. दैट इज व्हाई यू आर सपोज्ड टू स्पेशलाइज इन 2 ऑफ दी स्किल्स. करेक्ट, ठीक है. सो यू आर अ मास्टर एट वन एंड यू आर अ सेकेंडरी सपोर्ट जो है दूसरे में, एंड दैट इज हाउ दिस 5-man टीम इज बिल्ट. तो इसके ऊपर जो है मल्टीप्लीकेशन आप जितना मर्जी कर सकते हो, 2 स्क्वाड लगाने हैं, 3 स्क्वाड लगाने हैं, 4 स्क्वाड लगाने हैं, जिस प्रकार का आपका मिशन है बियॉन्ड एनिमी लाइन्स. लेकिन एक बार तुम्हें इंसर्ट कर दिया, फिर तुम अपने आप देख लो भाई. तो सर, आपकी स्पेशलिटी क्या थी?
So I had specialized in demolitions, and then navigation was my second skill. Demolitions means bombs. Correct. Explosives. Explosives. Different kinds of explosives. So coming back to that 2015-16 wali surgical strike, jo 9 ne kari thi, fir usme kya hua sir? हाँ नहीं 15 में 2015 में जो है 21 पैरा ने किया था म्यांमार में 2016 में जो है 9 पैरा ने किया था पीओके में सो लेट मी स्पीक अबाउट 2015 में बिकॉज आई नो दैट मोर इंटीमेटली अपना ही टीम था मेरा ही यूनिट था सो देयर वाज अ मिलिटेंट ग्रुप दैट वाज ऑपरेटिंग तो वो उनका था 60-70 किलोमीटर अंदर एंड अक्रॉस द बॉर्डर and they were operating in camps there and wo aage stage forward karte the chote tukdi mein aakar ke wo they would carry out some strike inside and then they would get back to ye format tha to over a period of time lot of intelligence was gathered at the highest level unko pata tha ki bhai ye is type ka whenever you are going across the border then the stakes become entirely different kyunki ye abhi political incident ho sakta hai an international incident ho sakta hai bilkul तो उसका जो है यू नीड अ सर्टन अमाउंट ऑफ सपोर्ट सिस्टम्स दैट आर बिल्ट एंड सपोर्ट इन द सेंस कि सरकारी लेवल के ऊपर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर देयर रिक्वेस्ट टू बी अ क्लियरेंस अप्रोप्रिएट लेवल के ऊपर कि भाई ये एक्शन हो रहा है सो वेयर डज दिस क्लियरेंस कम फ्रॉम फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल्स हाईएस्ट पॉसिबल लेवल्स ओके फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल्स सो ऑब्वियसली वो उसका एक हायरार्की है वो फ्लो करता है तो इट इज नॉट कि एट अ लोकल लेवल कि यूनिट के बटालियन कमांडर ने या सीओ साहब ने बोल दिया कि तुम जा करके करके आओ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बॉर्डर के ऊपर 2-4-5 किलोमीटर के अंदर में वो होता रहता है दोज आर काइंड ऑफ थिंग्स दैट कीप हैपनिंग तो उसमें इतने लेवल तक नहीं जाता है बट वेन यू गोइंग डीप इनसाइड 40-50-60-70 किलोमीटर्स इनसाइड देन द डायनामिक्स जो है वो अलग चीज़ है So therefore, at a political level, certain clearances are generally taken. So they went in, they were, I will not get into specifics, ki kitne team deploy hua agar, you know, we should not be getting into that because some of those continue to be classified. Wo gaye, they went to the camp, they carried out a recce of the, a confirmatory recce of the camp, reconnaissance jo hai, ki bhai confirm karne ke liye, haan, itne hi bande hain. कितने लोग हैं हथियार किस टाइप का है वगैरह वगैरह जो है साइलेंट लेवल के ऊपर रिकॉग्निशंस होता है सर्वेलेंस होता है इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ क्या बोलते हैं प्रिलिमिनरी वर्क दैट इज डन फ्रॉम सैटेलाइट इमेजरी टू फोटोग्राफ्स टू इन लोकल इंट सोर्सेस उस सबका कोलेट करके फिर प्लान बनता है प्लान बनाने के बाद में इंसर्शन होता है इंसर्शन करके वहाँ पे दे डू अ कन्फर्मेटरी रेकी कि भाई ऑल द इन्फॉर्मेशन जो हमें मिला है इंटेलिजेंस हमें मिला है वो सही में जमीन के ऊपर एग्जिस्ट करता है कि नहीं जो कैंप हम सोच रहे हैं वो एक्चुअली में है एक्चुअली में है एंड देन दे कैरिड आउट अ स्ट्राइक दे एक्सफिल्ट्रेटेड बैक यानी कि वापस अपने टेरिटरी में आने के लिए एंड देन अ चॉपर वॉज डिप्लॉयड टू पिक दम अप एंड गेट दम बैक बिल्कुल क्लीन ऑपरेशन अपनी तरफ से देयर वर नो लॉसेस नो कैजुअल्टीज वगैरह एंड reports are that about 60-70 militants were killed in that camp. Okay. So it was a major this thing. This is ये भी मैं जो बोल रहा हूँ ये भी level actually इसका छोटा है. Actual special forces operations are let us paint a scenario कि war लगने वाला है. ठीक है. Right the relations between two countries. Let us not name the countries also. Two countries जो common border है या line of control है deteriorating. ठीक. हालत ख़राब हो रहा है लगातार और देन यू डिप्लॉय एसएफ टीम कि भाई जाकर के कोई प्रिलिमिनरी इफ़ यू वांट टू डू द फर्स्ट ब्लो और तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारे बाकी प्लान्स हैं यू वांट टू डू अ इंसर्ट एन एसएफ टीम एंड डू अ प्रिलिमिनरी ब्लो एंड देन गेट दम बैक एंड फिर ओपन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ऑन थिंग्स लाइक दिस राइट ये बहुत ही इट इज़ ऑफ स्ट्रेटेजिक नेचर सो दैट इज़ वेयर द स्पेशल फोर्सेस का असली काम है असली काम ये मिलिटेंट्स को मारना इधर उधर यू नो दो चार को इधर मार दिए दो चार को उधर मार दिए वो तो चलता रहता है वो इन्फेंट्री भी करता है आरआर भी करता है दे आर ऑल प्रोफिशिएंट वी आर आल्सो डूइंग इट बिकॉज हम हर रोज जो है वी आर नॉट गोइंग 50-60 किलोमीटर्स इनटू एनिमी टेरिटरी एंड डूइंग दिस काइंड ऑफ नॉट इवन एनिमी टेरिटरी म्यांमार इज नॉट एनिमी यार म्यांमार इज अ फ्रेंडली कंट्री बट इट इज अ क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन और ऑन द अदर हैंड पीओके में आपने किया चाइना के खिलाफ हम कर सकते हैं देर आर मल्टीपल प्लान्स एंड जो हमारा ट्रेनिंग चलता है वो लगातार इन्हीं चीज़ों के ऊपर चलता है ना कि ये मिलिटेंट को मारना ये सब दिस आर पार्ट्स ऑफ द दिस थिंग दिस आर ऑल वी टेक इट एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग सर एक वन क्वेश्चन विच इज कमिंग टू माय माइंड अगर हमको ट्रेन करा जा रहा है कि हम अक्रॉस द बॉर्डर जाएंगे एक ऑपरेशन करेंगे तो क्या एक ऑफिशियल
पॉलिसी अपनाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि अगर आप कैप्चर हो गए तो आपके लिए नेगोशिएट नहीं करा जाएगा, इज दैट अ थिंक? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बंदा पकड़ा गया तो देर इज़ नो डाउट दैट द सरकार और द गवर्नमेंट ऑफ द डे विल डू एवरीथिंग इन इट्स कंट्रोल टू गेट दैट पर्सन बैक. ओके, देर मे बी सम कोवर्ट ऑपरेशंस, बिल्कुल कोवर्ट, जो बिलो द रडार ऑपरेशंस जो होते हैं उसके लिए यू नो देर माइट बी अ डिफरेंट सेट ऑफ दिस थिंग, बट दिस आर यू नो दिस आर ग्रे एरिया जिसे बोलते हैं. ग्रे सर, एक क्वेश्चन और एक और माइंड में आता है, कोवर्ट ऑपरेशन और ट्रांसबॉर्डर ऑपरेशन में क्या फर्क है? आई मीन एवरीथिंग हैज गॉट लेवल ऑफ सीक्रेसी तो है ही है, उसमें तो देर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट, बट देर आर सम ऑपरेशंस विच आर कंप्लीटली कोवर्ट इन नेचर. मतलब यू आर नॉट वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, यू विल नॉट बी वेयरिंग द इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म, यस, यू विल बी ऑपरेटिंग एज अ मिलिटेंट, एज अ टेररिस्ट, अंडरकवर, काइंड ऑफ दिस थिंग, कंप्लीटली अंडरकवर. सो इन दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस द सेट ऑफ रूल्स दैट अप्लाई थोड़ा सा अलग होता है. इट इज़ नॉट जो, बट मैं जो जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ, दैट वी आर गोइंग इन एज पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, ओके, एज एन एस एफ टीम. देयर मे बी डिनाइबिलिटी लेटर कि ये अपने बंदे नहीं थे, हो सकता है. मतलब यू नो दिस आर ऑल, जैसे मोरा, देयर इज नो क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट इन ऑल दिस गेम्स, बिकॉज देर आर लाइव्स इन्वॉल्व, देर आर द इम्प्लीकेशंस जो हैं इस चीज़ का, जो द फॉलोआउट जो हो सकता है, दोज कुड बी वेरी वेरी सिवियर. Stakes at an international level, right? Very high, yes. Depending on what the target is, etc., etc. So it becomes a different thing. So, but covert operations, just to get back to your question, covert operations ka classic definition hai, deniability is 100%. Right? So, matlab usme there is no question about that. And there are those kind of tasks also. Many of these tasks, SF units train for on a regular basis. On a regular basis. Kitne usme se एक्चुअल कन्वर्शन होता है कि प्लान टू एक्शन, वो अलग चीज है. राइट, सो एक्चुअली सो दिस इज वेयर द एसएफ रियली कम्स इनटू द फोर, कि दिस इज व्हाट एक्चुअली मेक्स देम स्पेशल. इट इज नॉट कि दो चार मिलिटेंट को इधर उधर टपका दिया, वो कहानी अलग है. सर, अगर हमारे एसएफ के ऑफिसर्स डिप्लॉय करे जाते हैं तो बाकी कंट्रीज के भी करे जाते होंगे यहाँ पे? 100%. तो आर वी एबल टू गेट टू नो, डू वी गेट टू नो? देखो, देर इज अ सर्टन अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल रेस्पेक्ट दैट यू नीड टू गिव, चाहे वो दुश्मन कंट्री हो चाहे कोई और हो. राइट, हम अगर कर सकते हैं तो वो भी कर सकता है और करते भी हैं. ऐसे नहीं है कि वो करते नहीं हैं. देर इज अ लॉट ऑफ टॉक, आई डोंट हैव स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू शेयर. देर इज अ लॉट ऑफ टॉक कि SSG के लोग जो हैं अपने यहाँ पे आकर के काम करते हैं. कारगिल में देवर एंड दिस इज बीन कंफर्म्ड दिस थिंग दैट SSG के लोग थे जो आकर के एक्शन करते हैं. तो देर इज अ सर्टन अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल रेस्पेक्ट दैट यू नीड टू गिव, कि ऐसे नहीं है कि वो बुद्धू बैठे हैं कि और वो पता नहीं है कि क्या करना है, वो भी कर रहे हैं. तो सर, सपोज आप किसी और एनिमी कंट्री के SF के ऑफिसर के आमने सामने आ गए, व्हाट विल एक्चुअली हैपन? डोले शोले दिखाएंगे एक दूसरे को, पहले तो माँ बहन की गाली देंगे एक दूसरे को, बट दो चार ड्रिंक लगाने के बाद में यार पता लगता है कि भाई बंदा वो भी काम वही कर रहा है जो हम भी कर रहे हैं ना. मतलब सो वो क्या बोलते हैं, बिरादरी है उसमें, राइट, एंड वो प्रोफेशनल रिस्पेक्ट है. सो इट हैपेंस ऑल द टाइम. सो यू नो UN मिशन में फॉर एग्जांपल, राइट, अपने इंडियन ट्रूप्स भी जाते हैं, पाकिस्तानी ट्रूप्स भी आते हैं, चाइनीज भी आते हैं, वगैरह वगैरह. सो in an international environment there is a quite a likelihood that you will chance upon an SF guy. To pehle to there will be a show off, right, ki matlab sizing the other guy up bolte hai na ki bhai who is the more solid guy karke, but yeah. At the end of the day do char drink lagane ke baad sab settle ho jata hai na. You there is a professional respect jaise maine bataya ki ek dusre ke liye. That's good to know. Yeah, absolutely. Sir, ek question aur aata hai mind mein. Aap suppose you are in a room full of फौजीज, इंटरनेशनल फौजीज, अलग अलग कंट्रीज की नेशनलिटी, कैन यू स्पॉट द SF गाय फ्रॉम अ हाफ ग्रुप ऑफ हाफ अ डजन और डजन पीपल? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज अभी जो मंगोलिया ट्रिप में ख़त्म करके वी केम बैक टू उलान बटार द कैपिटल, और वन नाइट वी स्पेंड देयर एक्स्ट्रा, मतलब जस्ट टू सिटी वगैरह देखने के लिए. वो पूरा तो हम वी वर इन द रिमोट एरियाज, गोबी डेजर्ट वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे आकर के. So there was a Fauji delegation
एंड मल्टीपल कंट्रीज है, दे वर स्टेइंग इन द सेम होटल. ऐसे बंदे को यू कुड पिक हिम आउट फ्रॉम दैट. रियली पिक हिम आउट जस्ट बाय शियर बॉडी लैंग्वेज, द वे ही वाज दिसिंग. एंड हमने यू नो वी स्टार्टेड स्पीकिंग विद देम. ऑब्वियसली दे डिड नॉट डिस्क्लोज टू मच, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी डिस्क्लोज एंड शो सम पिक्चर्स वगैरह, तो उसने भी बोला कि विच पैराशूट डू यू यूज, वो निकल के आ जाता है. एंड देन यू नो व्हेन दैट काइंड ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ एन आइस इज ब्रोकन, देन यू बिकम यू नो शेयर्ड डिप्रेविटी, शेयर्ड डेंजर. When you have that equation, जिसके ऊपर there is a vibe that connects you, physical connection की जरूरत नहीं है, पता लग जाता है. And that guy also sizes you up. देख करके हम सब ना, we are all judgmental people, human beings. The moment you see a guy, उसका you try to make a mental image, ये बंदा है क्या, कितना दम है इसमें, ये you know. And similarly, and you know, Ravi, just sidetracking a bit. In Kashmir also, when I commanded my unit, I used to tell my guys precisely this. ऐसे कोई सिचुएशन नहीं है कि एकदम से मिलिटेंट आकर के तुम्हें अटैक कर गया, तुम्हारे यू नो पोस्ट के ऊपर अटैक कर दिया या तुम्हारे बटालियन के ऊपर अटैक कर दिया. ऐसा कभी नहीं होता है. नो मैटर ही इज कम प्रिपेयर टू डाई, वो मरने के लिए तैयार होकर के आया. बट मैं क्यों मरूं भाई, आज क्यों मरूं? If I can operate for two more days, अगर दो दिन और काम कर सकता हूँ उसके बाद मर लूँ. So he will suss you out, कि देखेगा तुम्हारे पोस्ट को, ऑब्जर्वेशन में रखेगा, देखेगा कि रूटीन कैसे चल रहा है, बंदा जो खड़ा हुआ सेंट्री वो कैसे खड़ा हुआ है. इसी द गाय हु मीन्स बिजनेस, हथियार किस तरीके से खड़ा हुआ है. सो ही मेक्स एन ओपिनियन कि यार मैं उंगली अगर मारूंगा यहाँ पे तो मेरी उंगली 100% काटेगा ये. और अगर दो तीन चार दूसरी जगह मैंने देख लिया कि यहाँ पे उंगली मारूंगा तो यार आई हैव अ फेयर चांस ऑफ सक्सेस, मैं उंगली निकाल करके चला जाऊंगा, कुछ नहीं होगा मुझे. सो यू टेल मी वेयर विल ही पुट द फिंगर, वो वहीं लगाएगा ना जहाँ पे उसका चांस ऑफ सक्सेस जो है 100% है सर. सो आई यूज़ टू टेल माय गाइस कि बॉस तुम ये हमेशा तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, कोई तुम्हें देख रहा है. ये जरूरी नहीं है कि सीओ साहब देख रहा है तो मैं ठीक से खड़े हो जाऊँ. दुश्मन तुम्हें देख रहा है, मिलिटेंट तुम्हें देख रहा है, टेररिस्ट तुम्हें देख रहा है. अगर तुम्हारे दिमाग में यह है, ऑटोमेटिकली तुम्हारा चाल, तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारा देखने का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाएगा. सो एंड माय गाइस यूज्ड टू डू इट, एंड वी थ्रू आउट माय कमांड नेवर वाज माय पोस्ट. अगल बगल के यूनिट में यू नो देयर वर ऑलवेज कैजुअलिटीज एंड पोस्ट अटैक वगैरह, कभी नहीं हुआ. सर टिपिकली 21 पैरा एसएफ की इक्विपमेंट क्या होती है, दैट्स वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकंड, जब ट्रांस बॉर्डर डिप्लॉयमेंट होती है तो हाउ डज दैट इक्विपमेंट चेंज, क्योंकि आप लंबे टाइम के लिए वहाँ जाते हो, आपके पास ऑब्वियसली सपोर्ट कट ऑफ होता है. हाउ डज दैट वर्क सर, द इक्विपमेंट? सो एसएफ बटालियन में कैसे होता है कि देयर इज अ पर्सनल वेपन दैट एवरी पर्सन कैरीज. उसमें फिर आपको चॉइसेस हैं, राइट? इट इज डिजाइंड कि मिशन स्पेसिफिक होना चाहिए. ओके. कि किस प्रकार के मिशन में जा रहे हो तो उस प्रकार का आपका पर्सनल वेपन होगा. एंड देन देयर विल बी अ सेकेंडरी वेपन लाइक अ पिस्टल. So these are the primary the thing. So when I used to operate, we used to carry the VZ-58. The okay. VZ-58 जो है Czechoslovakian weapon है, जो कि AK-47 series का जो है, it's a spin-off. The principle is the same and the weapon characteristics बिल्कुल same है. AK-47 का family है, so, but it's a Czechoslovakian weapon. It is slightly lighter and more compact than AK-47. Accuracy ज़्यादा नहीं है, बट रिलायबिलिटी 120%. तुम उसको कीचड़ में डालो, पानी में डालो, रेत में चलाओ, स्नो में चलाओ, इट डजेंट मैटर एट ऑल. ट्रिगर दबाया तो 100% यू कैन बी श्योर दैट इट विल फायर. द न्यू जनरेशन ऑफ वेपन सिस्टम्स एंड अदर वेपन्स जो हैं उतना रिलायबिलिटी नहीं है. तो मतलब एक सोल्जर को जो है, स्पेशली एसएफ काइंड ऑफ अ गाय, उसको वो रिलायबिलिटी फैक्टर, ऑफकोर्स एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग दैट एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिलायबिलिटी भाई, फर्स्ट रिटर्न ऑफ फायर होना चाहिए. अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो ठोकने का जो है चांस, इट शुड कन्वर्ट, इट शुड नॉट बी कि ठोक लग गई, वो नहीं होना चाहिए. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ फैंटास्टिक वेपन एंड वी स्वोर बाय इट. एंड आई मीन हाउ मेनी फायर फाइट्स वी हैव गॉन थ्रू विद अ VZ-58 एंड नेवर एवर एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि
रोक आ गया हथियार में. बट नाउ जनरेशन चेंज हो गया है, तो दे आर यूजिंग द इजरायली वेपन टावर, टार 21 बोलते हैं, टावर टार 21. द एडवांटेज ऑफ दैट वेपन इसकी उसका साइटिंग सिस्टम जो है क्लास. सो वो नॉर्मल वेपन सिस्टम में क्या होता है कि हथियार के आगे जैसे नेमिंग पोस्ट एंड पीछे जो है उसका दिसिंग है, साइट है. सो साइट सिस्टम इज फिजिकल, तो यू हैव टू अलाइन द रियर साइट विद द फोर साइट एंड देन विद द टारगेट, तभी उसका हिट लगेगा. इसमें क्या है, ऑप्टिकल सिस्टम्स आ गए हैं जो कि इट इज वन और टू जनरेशन अहेड. सो देयर इज अ लेजर डॉट दैट यू डोंट हैव टू शट वन आई. You just pick up the weapon, it will show you the laser dot on the scope, target ke saath mein align karna, thak, thok do. So the accuracy jo hai, it becomes much, much, much better. And then the night scopes on top of that. So, ye toh hum day ki baat kar rahe hain, right? Night scopes jo hain, with amplifiers jo hain, you can see as good as day. So you can actually fire a weapon in pitch black conditions aage jo hai, at of course short distance, shorter distances, but you can fire. So those kind of these the optics and the sighting systems jo hai, right, bahut badhiya ban gaya hai, badhiya ban gaya. So to that extent the capacity has kind of doubled, but of course that is also happening all around the globe. Aisa nahi hai ki it's only the Indian Army or the Indian Army Special Forces, right? So that's the primary weapon and the secondary weapon, correct. Iske alawa एक्सेसरीज क्या होते हैं, दैट्स वन. एंड अनदर क्वेश्चन विच इज पर्टिकुलर फॉर यू इज दैट एज अ डेमोलिशन एक्सपर्ट, आपके पास क्या होता है एक्सप्लोजिव्स, या किस टाइप का एक्सप्लोजिव इक्विपमेंट होता है? सो वंस अगेन, अनलाइक द रेगुलर आर्मी, यहाँ पे जो है देर इज अ मेन्यू ऑफ वेपन्स एंड ऑफ इक्विपमेंट. सो एवरीथिंग इज टेलर्ड कि आप मिशन किस चीज़ के लिए जा रहे हो, उसके बेसिस के ऊपर होता है. So for example, in the weapons, in the personal weapons space, आपका primary weapon VZ-58 हो गया, but then you have an option कि M4 carbine भी ले जाऊँ. You want an M4 carbine. You have a specialized kind of room intervention का है, या close quarter combat के ऊपर है, या you want to keep it completely silent. Obviously these don't come with silencers, right? And then you use the Uzi, which comes with a silencer. बिल्कुल शॉर्ट रेंज. सो वेपन्स जो हैं, देयर इज अ स्लू ऑफ वेपन्स यू कैन पिक एंड मिक्स एंड मैच. तो यू नो, अनलाइक इन द रेगुलर इन्फेंट्री कि आपको स्टैंडर्ड इश्यू वेपन है, चाहे वो उसके लिए जा रहे हो, इसके लिए जा रहे हो, मिशन कोई सा भी हो, आप उसमें जा रहे हो. ऑब्वियसली द इन्फेंट्री डज नॉट डू द काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस दैट वी डू. कमिंग टू डेमोलिशंस, यू हैव अ स्लू ऑफ दीज प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स दैट आर देयर. You have some kind of mines. Most of it you do innovative tarike se, right? So suppose you want to blow up a bridge, yeah, or you want to blow up a headquarters. So you do the calculations in terms of what is the kind of explosive that you require, what is the amount of explosive that you require, and you cater for contingency ki bhai itna percent jyada rakhna chahiye. To isme ek important jo इश्यू जो आता है कि इट ऑल डिपेंड, यू आर गोइंग मैन पैक, जो सामान लेकर के जा रहे हो अपने कंधे के ऊपर उठा करके जाना है. सो लेट अस अज्यूम कि आप 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर अंदर जा रहे हो, एवरी ग्राम मैटर्स बिकॉज यू आर फाइटिंग फॉर योर सर्वाइवल, अपना लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन है, राइट? सो द मोर बल्कियर यू आर, द मोर डिफिकल्ट इट इज़ फॉर यू टू मूव. एंड जब व्हेन यू आर डीप बिहाइंड एनिमी लाइंस, देन आपका एजिलिटी जो है, द स्पीड ऑफ मूवमेंट, हाउ फास्ट यू कैन मूव एंड रीपोजिशन वगैरह वगैरह, इट बिकम एक्सट्रीमली क्रिटिकल टू सर्वाइविंग. सो एवरी ग्राम दैट यू कैरी विल मैटर. तो उसका जो है कैलकुलेशन इज डन इन अ वेरी वेरी साइंटिफिक मैनर. देर आर स्पेसिफिक कैलकुलेशन शीट्स फॉर दैट इन टर्म्स ऑफ वॉट इज द टारगेट, उसका टारगेट का पोस्चर किस प्रकार से है, सीमेंट का है या लकड़ का है या कोई और चीज़ है, उसके बेसिस के ऊपर द कैलकुलेशन इज डन, द काइंड ऑफ एक्सप्लोसिव दैट यू रिक्वायर. सर सपोज आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए जब क्लोज क्वार्टर हैंड टू हैंड कॉम्बैट इनएविटेबल है, होगा ही होगा, और सामने वाला भी ट्रेंड फाइटर है, तो उस पर एडवांटेज कैसे ली जाएगी?
स्पेशल फोर्सेस का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना, एंड आई एम श्योर आगे जाकर के हम प्रोबेशन के बारे में भी बात करेंगे कि सिलेक्शन होता कैसा है, लेकिन उसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज एक्चुअली टेस्टेड, जो लोगों को पता नहीं रहता है बट द टेस्टिंग इज देयर, इसकी आप हाउ इनोवेटिव आर यू, हाउ अडेप्ट आर यू, कि लैटरल थिंकिंग आपका कैसा है, कि दीवार के साथ आप चिपक गए हो, आपको कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे आगे. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट दे लुक फॉर इन अ एसएफ ऑपरेटर. सो देयरफॉर हर जगह जो है इनोवेटिव माइंडसेट जो है पीछे चलता रहता है उसका, एंड देयर इज अ सर्ट ऑफ अ किंक जो बोलते हैं ना, कि पर्सनैलिटी में किंक होगा. इट इज ओनली पीपल विद पर्सनैलिटी किंक्स that will generally succeed. I'm not saying that it is 100%, lekin let us say about 70 to 80% on a generic scale. Bandon mein personality mein koi na koi kink hoga zarur, and that is why wo innovation jo hai uska dimag chalta hi usi prakar se hai. Normal at steady state level uska dimag waise chalta hai. So in every situation main isko alag kis prakar se kar sakta hu, how can I do this differently, how can I do this in a more imaginative manner, ek bilkul alag tarike se main soch ke isko kis prakar ke isi cheez ko main. Agar aapko ek problem set diya jata hai, right, ki ye problems ko solve karna hai, 10 tarike hain jo karne ka, to method jo process oriented jo hai 10 tarike hain jo Ram Shyam aur bhi koi jo hai kar sakta hai, standard, pata hai sabko, standard, pata standard procedure jo hai. Procedure. अगर मैं इफ द सेम थिंग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स इज प्रेजेंटेड टू एन एसएफ गाय, वो हमेशा उसका दिमाग जाएगा मैं 11वीं तरीका कौन सा मैं इस्तेमाल करूं. और दैट इज अ माइंडसेट दैट इज पार्टली इट कम्स नेचुरली, एंड दैट इज अ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिल्टर्स जो है सिलेक्शन में जो है. कि ये अलग तरीके से करने वाला आदमी है कि वो स्टैंडर्ड जो पटरी है उसी पटरी के ऊपर चलने वाला है. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर, क्रिएटिविटी इन कॉम्बैट. एब्सोल्युटली क्रिटिकल, सर्वाइवल का सवाल है. इफ यू डोंट ब्रिंग आउट योर इनोवेशन, इफ यू डोंट दिस थिंग थिंक अबाउट इट इमेजिनेटिवली, चांसेस है कि तुम मर के आओगे, मतलब तुम्हारी बॉडी बैग वापस आएगी, तुम जिंदा नहीं आओगे. दैट इज अ थिंग दैट इज, एंड देयरफॉर हर प्रॉब्लम सेट को उसी तरीके से देखना जरूरी है. एसएफ की प्रोबेशन होती है, डू यू थिंक यू कुड डू इट नाउ? आई बिलीव एवरीथिंग इज अ स्टेट ऑफ माइंड, एवरीथिंग इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड. Was working in Jamnagar in the refinery, and there was a employee, a civilian guy, who had come to me, and he said, I didn't know him at all, but he just came to me and he said, ki sir, aapse mere ko baat karna hai. So I office mein bithaya, I offered him a cup of tea, we had a cup of tea and all that, and he opened up after a little time and he said, sir, I want to climb Mount Everest. I said, go for it. Yeah. Roka kisne? He said, sir, money is a problem. You know, it requires a lot of money in terms of the equipment, in terms of the training, vagara vagara. If I remember correctly, what he said was about 30-40 lakh rupees lag jate hain, you know, for doing a successful Everest attempt. So I said, tu kitna chahta kitna hai? How badly do you want to climb the Everest? He said, sir, I just want to do it. Nahi to main aapke paas aata hi nahi. So I said, you start na yaar. You forget the worry about where it will come from, money kaise hoga. That is, Shah Rukh Khan ne bola tha na ki agar tum kisi cheez ko chahte ho, kya something or the other way, my Hindi is, I can't recall, but if you desire something in life, truly desire it, the world will, the universe will conspire to get it to be true. Right? So he went back and he started training himself, right? करते 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 ही व्हेन ही रीच्ड अ सर्टेन लेवल, उसने कहा कि देन ही स्पोक टू कपल ऑफ द एचओडीज इन द प्लेस, एंड सम अमाउंट वाज कंट्रीब्यूटेड, देन अदर्स दिस थिंग, एंड फाइनली ही गॉट द थिंग फंडिंग दैट ही रिक्वायर्ड. नेक्स्ट ईयर इन द एवरेस्ट सीजन ही समिटेड एवरेस्ट. रियली? एक साल, एक डेढ़ साल में ही समिटेड एवरेस्ट. And then he came back and he was very thankful ki sir aapne wo us din bataya nahi hota to main nahi kar pata ho, things like that. I said, aise nahi hai yaar, it's just that you came and spoke to me and I told you that, and I was very happy for him that something that he wanted to do passionately, yeah, it worked. But then I told him something, remember,
that you've done something extraordinary, right? How many, couple of thousand people have summited Everest, right? Out of 7 billion people in the world, couple of thousand people have summited Everest. So you are truly up there in that the thing. But the moment you start feeling that I am one of the top guys, remember there is a double amputee. No hands, one leg. Summited Everest. Everything is a state of the mind. Let me give you the Mongolia experience. By no stretch of imagination is it a very tough ride. It's a moderately tough ride. And you know, it's something fun that we went and did. You know, not because it's an relatively unexplored jo jagah hai, humne ja karke wo explore kiya and all that. And we are feeling very happy about ourselves. Ki 3000 kilometer kiya bike ke upar and slightly tough terrain, Gobi Desert bhi hai, ye wagera. Second last day, hum jab ek chote se hotel mein we stayed for the night. And last leg tha, agle din 300 kilometer we had to complete. Shaam ko jo hai, we happened to meet a lady at the bar. And hua aise ki uske backpack ke upar jo ek sticker. The sticker said 150 plus days, one woman, 30 countries, 150 plus days, 30,000 kilometers. Single lady, she must be in her mid to late 30s kind mein hogi. So everything, age is not an issue at all. If you have put your mind to something, no matter what it is, chahe kuch bhi ho jaye, whatever it is, if you truly, desperately want it, if you want to do it, nothing can stop you. There are people who are 90 plus, 100 years old, who's running marathons. What is that thing jo aapke andar aag laga deta hai? Jo passion ko jo hai, it brings it to full boil. Maine karna hai. Is age a criteria? Is gender a criteria? Main aadmi hoon, aurat hoon, main shadishuda hoon, main bachcha hoon. It doesn't matter at all. Paralympics, recently concluded, unimaginable. People with no arms, no legs, you know, competing at international levels and winning. Fabulous. Age is not a criteria. It's your mental state that is the criteria. When you are a teammate, or aapka jo saathi hai, aapka jo buddy hai, uski jaan chali jaati hai, wo martyr ho jata hai. You feel something called a survivor's guilt. Wo bhi hota hai, sir. Have you felt that? Absolutely. Without doubt, and it's a judgment call that I'm taking, and I'm saying it on public, that people who say that nahi hai, I don't think they are being honest. 100% hota hai. But having said that, uska ek vipreet view bhi hai. And not really vipreet view, but the point that I'm trying to make is ki ek unwritten code hai. Right. And I'm not saying that yeh sirf SF mein hai, Fauj mein bhi hai, but more so in the SF. That guy goes into danger, that guy goes into that kind of operation, jis prakar ka wo operation karta hai, with the firm belief that if something were to happen to him, I will pull his body out for sure. Right? I will ensure that that body reaches his home in with the kind of honor that it deserves. And I will ensure ki uske biwi bache, maa baap jo hain, unka jo hai, they are taken care of. Aage. This unwritten code and that surety jo uske dimaag mein hai, phir usko sochne ki jarurat nahi hai. In many places, at many times, this uncertainty jo hai na, mere baad kya hoga? Kya will my body get back to my family? Wo dekh payenge mujhe? One final time. Will they be able to, will I get a cremation in my home? Right? Will my Buddha Mabap, will my bache, will my wife be taken care of in the future? Wo surety jab tak uske dimaag mein nahi hai. 100% nahi hai. Right? He doesn't have to think about it. Tab tak jo hai, it is very difficult. It is impossible, not very difficult. It is impossible for a man to just give up his life. Do not have the qualification or the wherewithal to counter-argue that. I agree. But sir, there is another counter-example to that. And that is a jihadi or somebody who is a fanatic. Jo apni jaan dene aaya hai, jisko pata hai ki uski body wapis nahi jayegi. What about those people, sir? What principles are they operating on? Ideology. Ideology.
उसको ही इज़ नॉट ऑपरेटिंग ऑन द ये फ्रेमवर्क जो है ना, जो हमने बताया अभी, ये फ्रेमवर्क है कि यू आर नॉट बिकम फैनेटिकल विथ एन आइडियोलॉजी दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट द सिविल सोसाइटी वर्क्स इन, राइट? अगर मैंने मान लिया कि मेरी ये आइडियोलॉजी अलग है, और मेरा देर सम आइडियोलॉजी, इट कुड बी रिलीजियस, इट कुड बी पॉलिटिकल, इट कुड बी वट एवर एल्स, राइट? आई जस्ट ब्लाइंडली फॉलो एक बंदे को जो है, एक लीडर है जो मैं मर मिटने के लिए तैयार हूँ, बट दैट इज़ अ फैनेटिसिज्म. आपने बिल्कुल सही टर्म यूज़ किया है, फैनेटिक है वो, रैशनल थिंकिंग वाला नहीं है वो, कम्प्लीटली ऑफ द ग्रिड इरेशनल है, राइट? दैट quality, of course it exists, but we in the Indian army for sure, and I'm sure most other armies also like to think ye fanaticism ke upar nahi kaam kar rahe hain. We are thinking on a template which is more logic driven, rational thought ke upar hai, us kind of format ke upar hum kaam karte hain. But sir, jo suicide bomber hai aur jo fanatic hai, wo fanaticism usko bahut dangerous to bana hi deta hai. Of course, yes. रैशनल रैशनल थॉट नहीं है ना, रैशनल थॉट नहीं, इरैशनल है, एकदम इरैशनल है. सो व्हाट्स योर क्वेश्चन, हाउ डू डील विद इट? यस, आई सेंस्ड अ क्वेश्चन दैट वाज हैंगिंग देयर. या या, आई वाज थिंकिंग ऑफ आस्किंग इट, बट देन आई रियलाइज दैट यू आर ट्रेन टू डील विद इट, यू ट्रेन टू डील विद प्रिसाइसली दैट, एंड द वे यू डील विद इट इज थ्रू ट्रेनिंग, टेक्निक, ब्रेवरी, इट्स कॉम्बिनेशन. एंड सो अगर कोई फेनेटिक है भी और वो सुसाइड बॉम्बर है भी, तो उसके पास एक्चुअली एडवांटेज ही ये है, उसकी फैनेटिसिज्म के अलावा उसके पास कोई एडवांटेज नहीं है, जबकि हमारे पास बाकी सारे एडवांटेजेस हैं जो वॉरफेयर में यूज होते हैं. तो दैट इज व्हाट आई थॉट ऑफ, बट इज देयर, एम आई ऑन द राइट लाइंस? हाई कॉम्बैट सिचुएशंस में और यू नो वेरी सिवियर कॉम्बैट सिचुएशंस में जो है एक काइंड ऑफ ऑस्मोसिस होता है. आई हैव सीन दिस ऑपरेट, राइट? कि अगर द ऑपोजिट पार्टी वो बिल्कुल इरेशनल तरीके से सोच रहा है, देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ दैट transitioning to the other side also. Achha. You know, so that is a life danger. Ki bhai, you should not be driven by the same fanaticism jo uske usme dimag mein chal raha hai. Agar wo hua tha, then you are losing the plot. Right? Us fanatical attitude ka jo banda hai, usko counter karne ke liye, you must preserve your sanity, your rational thought. Aap kis prakar se usko handle karte ho, wo alag hona chahiye. Right. Because एक ही लेवल के ऊपर अगर आ गए, you know that this thing is going to be attritional. It's a thing of attrition, right? There is that danger. और जैसे मैंने पहले बताया कि SF में जो लोग सेलेक्ट होकर के आते हैं, by design it is people who think differently, whose attitude is in a certain dimension. इस तरीके के लोगों को सेलेक्ट किया जाता है. There is also the danger of some of these guys going the full tangent. मतलब बिल्कुल ही वो सिंग, सो दैट पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट. ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, बट यू रिक्वायर टू ब्रिंग दम बैक इन टू द सेंटर फोल्ड एंड कीप दम इन अ स्ट्रक्चर. एंड सम ऑफ दीज पीपल हु गो ऑफ द टेंजेंट कम्प्लीटली, उनको वीड ऑफ करना भी एसेंशियल होता है. Has it happened, sir? Yes, number of times. If I may ask, what happened? See, like you would have already figured out, the special forces jo hai 100% volunteer organization hai, right? And it depends upon how fit you are, how competent you are, aur aapka jo attitude jo hai SF like hai ya nahi, uske upar basis hai ki aap SF unit mein serve karte ho nahi. Jis din aapke commanding officer ko lag gaya ki ya to aapka physical fitness nahi hai, ya mental state sahi nahi hai, या फिर आपको यू नो यू गॉन ऑफ द टेंजेंट बियॉन्ड अ सर्टेन लाइन, ही विल एदर किक यू आउट. ही इज गॉट द फुल पावर कि आपको बोले आर्मी हेडक्वार्टर को MS ब्रांच हमारा HR डील करता है, उनको बोल करके ही इज वीडेड आउट ऑफ द यूनिट, और ही इज टोल्ड, ही इज गिवन अ ऑनरेबल एग्जिट कि भाई आप नॉन पैरा वॉलंटियर का सर्टिफिकेट साइन करो और आप जाइए. सो इफ़ यू आर किक्ड आउट, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट उसका करियर उसके ऊपर आ जाएगा कि ही वॉज किक्ड आउट ऑफ एन SF बटालियन. There's a more honorable exit कि भाई आप, I am non-volunteer, और आप जा सकते हो. सर, आपका अग्निवीर पे क्या ओपिनियन है? In my opinion, it's a good thing. I know it's a controversial thing. There are adequate number of experienced senior leadership in the Fauj who have opinions on this. मेरे को लगता है, you know, completely apolitical. जो उसके
पीछे जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है उसको अगर साइड पर रखो आप, आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग टू हैव द काइंड ऑफ मिक्सचर इन द यूनिट टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस. ऑफ कोर्स आई एट द सेम टाइम हैविंग सेड दैट, मेरे को ऐसा लगता है कि ये 25% को रखना एंड 75% को चार साल के अंदर बाहर निकालना, दैट माइट रिक्वायर टू चेंज. एंड यू मेक इट, फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग वन, आई एम ऑप्शंस इसमें बड़े सारे निकल सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपने अगर चार साल के एंड में आपने 25% को बाहर कर दिया, द बॉटम ऑफ द पिरामिड जो 25% हैं, जो सबसे लो कॉम्पिटेंसी है जिनका, उनको आप रिलीज करा दो, 75% को रखो, चार साल में उसका बाकी 25% को निकालो. सो यू नो मे बी अबाउट 8 years और सो यू की 50% को आपने रख लिया, 50% को आपने निकाल दिया. जी, दैट माइट, दैट काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन माइट बी बेटर, माइट बी बेटर. बट आई एम कन्विंस्ड दैट यू रिक्वायर टू फोकस मोर ऑन द वेपन्स एंड इक्विपमेंट एंड द केपेबिलिटी ऑफ द डिफेंस फोर्सेस. एंड दैट आइडियल इज कि वो भी रखो और मैन पावर को भी रखो, बट ऑलवेज जो आपका बजट है उतना ही रहेगा, राइट? उसमें से आप अपोर्शन किस प्रकार से करते हो रेवेन्यू बजट में और कैपिटल बजट में, दैट एडजस्टमेंट यू हैव टू मेक. तो मेरा ये मानना है कि ये सम अमाउंट ऑफ चेंज करके इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. नॉट ओनली दैट, इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो, नाउ आई हैव बीन फॉर अबाउट 12-13 ईयर्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर छोड़ने के बाद में, देर इज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर स्किल्ड मैन पावर ऑफ द फौज. तो फौज आपको सिखलाई क्या देती है? ईमानदारी, इज्जत. इज्जत और ईमानदारी की नौकरी जो है, दैट इज अ बेसिक थिंग इन द फौज. उसको आप अगर कॉर्पोरेट में लेकर के आते हो, चार से आठ साल के बीच में एक्सपीरियंस जो बंदे हैं, दे हैव बीन ब्रॉट अप इन दिस काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट, उनको कॉर्पोरेट इज रेडी टू अब्सॉर्ब. ऐसे नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी है. इंडियंस इकोनॉमी इज ग्रोइंग ट्रेमेंडसली. द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल विद दीज काइंड ऑफ स्किल सेट्स इज इंक्रीजिंग मोर एंड मोर एवरी सिंगल डे. उसका आई बिलीव स्ट्रांगली दैट देर इज अ गुड ट्रेड ऑफ. ऑफकोर्स वी मस्ट टेक इन टू कंसिडरेशन द फैक्ट दैट पुलिस, वी स्पोक अबाउट ऑफलाइन, हमने शुरुआत किया था कि भाई पुलिस रिफॉर्म के बारे में, राइट? वॉट इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम एब्जॉर्बिंग दीज पीपल इन द पुलिस फोर्सेस? यू गेट ट्रेंड मैन पावर विद अ सर्टन सेट ऑफ वैल्यूज जो फौज सिखलाती है, उसको तुम लेकर के आओ ना पुलिस में. द पोलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट इफ दे आर रेजिस्टिंग दिस फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, फिर वो बात बनती नहीं है. तो मैं कह रहा हूँ कि यू नो इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव अ ट्रेन्ड रिसोर्स जो कि गुड सेट ऑफ वैल्यू सिस्टम के ऊपर आपने ट्रेन किया, चाहे वो चार साल के लिए हो चाहे वो आठ साल के लिए हो, उसको तुम चार से आठ साल के बीच में ट्रेनिंग के बाद में या एम्प्लॉयमेंट के बाद में पुलिस फोर्स में लैटरली इंडक्ट करो, द क्वालिटी विल ओनली गो अप. सो नेशनल प्रोडक्टिव आउटपुट जो है, इन माई ओपिनियन, विल गो अप इफ यू फॉलो दिस पाथ. देयर इज अनदर एसोसिएटेड क्वेश्चन. हम फौज में इज्जत की नौकरी के लिए जाते हैं और ईमानदारी सीखते हैं. फौज में कमराडरी होती है, इट्स ऑल्सो फंडामेंटल टेनेट ऑफ द आर्मी, द मिलिट्री. दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द नॉर्मल सिविलियन वन टू वन रिलेशनशिप एज सच. वहाँ पर तो ओपन एनिमोसिटी दिखेगी आपको, रोड रेज दिखेगा आपको, यू विल फाइंड दैट पीपल आर क्रूअल टू ईच अदर. सपोज यू आर द पुलिस कमिश्नर, हाउ वुड यू चेंज दैट? द पुलिस कमिश्नर कैन नॉट चेंज दैट एटीट्यूड. एटीट्यूड्स आर बिल्ट सिविलाइजेशनली, राइट, ओवर जनरेशंस. इट इज अ कल्चरल एस्पेक्ट. कल्चर कैन नॉट बी शिफ्टेड बाय मेकिंग वन पर्सन अ पुलिस कमिश्नर ओवर अ डे, ओवर अ वीक, ओवर अ मंथ. Incidentally, I don't think if I made the police commissioner, I will survive for more than a couple of days, at best a week or so. Why? Directionally, attitudinally, wo approach hona chahiye na aapka. Agar approach is not that, then the conditions in which you operate are entirely different. To agar dimag mein ye hai ki I don't care about what other requirements there are, my focus is only on that,
the chances of that kind of a person surviving in that environment are minimal. But maybe that is exactly the type of person we need. Of course. जैसा आपने कहा अग्निवीर में, अगर अग्निवीर के बाद lateral entry होती है police forces में, तो police force भी improve हो जाएगी और उन लोगों की values भी अच्छे से utilize हो जाएंगी society में. तो आप जैसे लोग पुलिस के कमिश्नर बनते तो शायद ये अच्छा ही होता. 100%. तो वाई डू यू थिंक वी नीड मोर ऑफ दैट? बट द सैड रियलिटी ऑफ लाइफ इज कि नीड एंड रियलिटी में अंतर है और वो अंतर रहेगा. अच्छा, लेट मी मॉडिफाई द क्वेश्चन. ओके, पुलिस कमिश्नर नहीं, नाउ सपोज यू वर टू बिकम द पीएम एंड यू आर हैव द पावर टू मॉडिफाई दीज बिग पैरामीटर्स, व्हाट वुड यू चेंज? So in my opinion, and this is a considered opinion, of course it is not that my opinion counts for too much, but it is my opinion nevertheless. Teen aisi cheez hai in the country which we need to change, and we need to change urgently. The effects of these change may not be visible hafte mein, mahine mein, ya saal 3-4 saal mein. Dikhega aapko 5-10-15 साल के बाद. बट कल्चरल शिफ्ट करने के लिए तीन चीज़ें जरूरी है. नंबर एक, पुलिस रिफॉर्म, राइट? इसके बारे में इतना बात हुआ है ऑल ओवर द प्लेस, इट इज एसेंशियल. नंबर टू इज जुडिशियल रिफॉर्म. अगर इस देश में अगर एक आदमी को, इफ ही हैज़ टू वेट को 25-30 साल, 40 साल, 50 साल उसको जस्टिस मिलने के लिए, इट इज़ अ नो गो. और तीसरा है एजुकेशन. आर एजुकेशन मस्ट चेंज फ्रॉम कंप्लीटली थियोरी बेस्ड टू हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन फ्रॉम द ग्राउंड अप, वेयर चिल्ड्रन आर टॉट टू यूज देयर हैंड्स मिट्टी के साथ में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैकेनिकल वर्कशॉप में जा करके, उस टाइप का एजुकेशन फॉर प्रैक्टिकल वैल्यू जो आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना के बराबर है. On the same, this thing on the education, this thing is also about the cultural attitudes of it, right? Our attitude to women, our attitude to the elderly, our attitude to basic traffic discipline, right? Yeah. In our commute. So these are all cultural shifts that will take possibly a generation or two. Applied in a systematic तरीके से जो है, आप अप्लाई जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, और वो शिफ्ट एसेंशियल है. तो मेरे दिमाग में ये तीन चीज़ें हैं, एजुकेशन, जुडिशियल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट दिसिंग है. बाकी चीज़ में कर रहे हैं, इन तीनों में जो है हमारा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जीरो के बराबर है. लेट मी आस्क यू अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, पुट यू इन अ बिट ऑफ अ स्पॉट. देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉ एंड योर ओन सेंस ऑफ ड्यूटी, जो कि फौज में बहुत प्रेवलेंट होती है, बट ऑब्वियसली सेंस ऑफ ड्यूटी प्रिवेल करती है. सिविलियन लाइफ में अगर आपकी सेंस ऑफ ड्यूटी और लॉ में, सिविलियन लॉ में, क्रिमिनल लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो आप कौन सा चूज करेंगे? आई वांट टू गिव यू अ नंबर ऑफ सिनेरियोस एंड जस्ट सी विच वन. सो यू कैन ईदर रिस्पॉन्ड लॉ और यू कैन रिस्पॉन्ड विद ड्यूटी. माय इंस्टिंक्ट टेल्स मी टू गो विद सेंस ऑफ ड्यूटी. ओके, सपोज यू आर यू गेट टू नो दैट समबडी इज कमिटेड अ हीनस क्राइम. And you get to know that a woman is being abused by her husband. They are your neighbors. What would you do? Would you do anything at all? What would you do? Report it to the police. Report it to the police. And suppose you needed to intervene at the right point of time, but you are not supposed to. You were supposed to report it to the police, but you think it is necessary to do that at the moment. Something is going on. No, so they are not necessarily in conflict with each other. That is to say, your sense of duty and following the legal path need not necessarily be at conflict with each other. Mm-hmm. There could be a convergence. जैसे आपने ये scenario बोला कि भाई बगल में neighborhood में कोई domestic abuse का काम चल रहा है, right? So my sense of duty and the following the legal path are actually converging in this case. कि report the matter. I don't need to necessarily intervene. Of course, मेरे सामने जो है, अगर if there's a domestic abuse happening in front of me, I will intervene. I mean, it goes without saying, because I believe that is a wrong thing to do. But reporting it to the police, of course, or to the enforcing authorities, unko report karna zaruri hai. Suppose you come across an incidence of child labor. What do you do? Once again, there is no divergence here. Convergence hai.
The morally right thing to do is to stop it and report it to the police. तो वही होगा. The interesting this thing will be जब इसका convergence नहीं है, divergence है. कि एक हाथ में आपको लगता है कि ये करना चाहिए और दूसरे हाथ में आपको लगता है ये करना चाहिए. So then is when the dilemma starts. कि भाई मैं कौन सा चुनूं क्या, right? And those could be possibly, I'm sure you would be asking those questions, but jab individual choice aa jata hai, right? My son is doing domestic abuse, right? So should I report the matter? Should I intervene? Or should I overlook? It's a tough choice there, but once again, like I said, the instinct is to go with the morally right thing to do, right? Intervene and report it if required. Would you give your son a chance that the law does not give him? As a parent, once again, the instinct would be to give, but that depends on what is the Lakshman Rekha that is being crossed. If it is, dekho, har aadmi ka moral compass is different, right? And there is no right or wrong, good or bad. अलग है, हर आदमी का अलग है, राइट? तो उसमें अपना लक्ष्मण रेखा क्या है, वेयर डू आई ड्रॉ द लाइन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ दैट लाइन इज एदर बीइंग ब्रीच्ड, या मेरे को लग रहा है कि भाई ये लक्ष्मण रेखा पार होने वाला है, तो गिव द इंडिविजुअल, वेदर इट इज माई सन और माई कुलीग और माई फ्रेंड और माई रिलेटिव और समबडी आई केयर डीपली अबाउट, गिव हिम द चांस टू मेक the corrective action that is required. और बोलने के बाद भी, बताने के बाद भी, समझाने के बाद भी अगर वो नहीं हो रहा है, then do the right thing that requires to be done. Right. Okay. Now, with your permission, sir, I want to come to a bit of a rapid fire type round. And responses must be one word, or they can be a few words, or they can be a number. My first question: are you afraid of death? Yes. I am afraid of death. I think almost everybody should be. Okay, sorry, one word answer there. Yes. Yes. Do you believe in God? I believe in a force. May not necessarily qualify as God, but there is a force there. Do you think the force cares about us? I don't think the force cares about us. Okay. And I'd like to give an explanatory note to that. We are brought up in a belief system that imagines or thinks that that a god or a force out there is constructed on a human being basis. Yani ki usko feelings hai, usko emotion hai, wo dekhta hai sab kuch, wo samajhta hai sab kuch. I don't believe that is true. I believe that there is a force there which is inanimate. That usko, force could be physics. It could be physics. It could be physics. It could be something else, unexplained, which could well be outside the realm of our thinking. Yes. हम सोचते समझते जैसे हैं, जरूरी नहीं है कि उसी प्रकार से है, उसी डायमेंशन में है. अलग किस्म का डायमेंशन हो सकता है. ठीक है. Biggest threat to humanity? Greed. What is your biggest fear? My biggest fear is I am not the kind of man my dog thinks I am. You're? I am not the kind of man my dog thinks I am. Your dog thinks you are. Okay. So your dog has a ideal picture. And you. So what kind of a man are you? I think I'm just a regular average guy. With the same flailings, with the same set of emotions and insecurities. Okay. Let me ask you. If you were to describe yourself in three words, what would they be? Three words. Three words. Sure. एक से तीन में पहुंच गए. आई लाइक टू थिंक आई एम ऑनेस्ट, आई एम विटी, ओके, एंड आई एम रूटेड टू द ग्राउंड. ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 ऑफ ऑसमनेस, 10 बीइंग द मोस्ट ऑसम, 0 बीइंग द लीस्ट ऑसम, हाउ ऑसम इज ए हार्ले डेविडसन बाइक? 2. हाउ ऑसम इज अ रॉयल एनफील्ड? 4. हाउ ऑसम इज एन अपाची हेलीकॉप्टर? 8. ओके. How awesome is the 21 para SF? 11. How awesome is the 9 para SF? 4.5.
How awesome are six pack abs? Six pack abs depends on who's got them. Who's got on them? On me, it'll be 9 out of 10. Uh-huh. On you, probably 8. Yeah. I'll take that. Okay. How awesome is science? Fabulous. Okay. How awesome is Louis Vuitton or brands? Six. How awesome is our Prime Minister? 9. Okay. Sir, my last question. बहुत सारे लोग हैं जो SF से बहुत inspired हैं. SF जैसा बनना चाहते हैं. आप जैसा बनना चाहते हैं. और हर किसी को मौका नहीं मिलेगा फौज में जाने का. हर किसी को मौका नहीं मिलेगा SF में जाने का. आप जैसा बनने के लिए, ऐसे जैसा बनने के लिए कौन सी ऐसी दो चार चीज़ें हैं जो उनको जाननी चाहिए, अपनानी चाहिए, ताकि वो वैसे बने जैसा वो बनना चाहते हैं. और ये इस पॉडकास्ट का सारा कॉन्सेप्ट ही है कि वो चीज़ें बताई जाएँ जो स्कूल और कॉलेज नहीं बता पाता या नहीं बता सकता. तो ये जो इतनी सारी फैन फॉलोइंग है, पीपल लव, गिव लव एंड रिस्पेक्ट टू SF ऑफिसर्स, हाउ कैन दे बी मोर लाइक यू? जिंदगी में ना पैशन अपना एक फॉलो करना चाहिए. आपको जितना जल्दी पता चले कि मेरा पैशन क्या है, व्हाट इज़ द थिंग दैट एक्साइट्स मी द मोस्ट इन लाइफ. जरूरी नहीं है कि स्पेशल फोर्सेस, हर आदमी को स्पेशल फोर्सेस में आना है, बट इफ़ यू रियलाइज दैट दैट इज़ योर कॉलिंग, कि ये चीज़ है जो मेरे को वो जिंग देता है, जो मेरे को प्रोपेल करता है, देन इट इज़ अ फेयरली सिंपल थिंग टू डू, राइट? ऑफकोर्स यू नीड टू बी फिजिकली एक्टिव. फिजिकल एक्टिविटी जो है, जितना आप पहले शुरू करोगे उतना आपके लिए बेटर है, राइट? टेकिंग केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन, राइट? योर बॉडी इज़ अ वंडरफुल थिंग, राइट? आप उसको जितना आप प्रेशर करोगे, इट विल अडैप्ट. द बॉडी अडैप्ट फिनोमिनली वेल, राइट? एंड एज इज नॉट अ क्राइटेरिया एट ऑल. आई एम 100% अ बिलीवर इन दैट. You need to give the right elements for your body to develop in the manner that you want to. But most importantly, I think, is how to build a positive mindset. At the mindset, like I brought out earlier also, attitude is everything. Baki chahe aapke kuch ho na ho, tum apna attitude ko improve karo. To attitude ko improve karne ke liye teen cha tarike hain. One is genuinely set out in this world with a view to help another human being. तुम helping तरीके से तुम सोचना, every day, every instance, every incident, तुम अगर तुम्हारा ये सोच ये है कि इस बंदे को मैं help किस प्रकार से कर सकता हूँ, that helps you in improving your attitude. Number 2 is do not be afraid of getting your hands dirty. अपने हाथ से काम करो, जो भी काम तुम कर रहे हो. Getting your hands dirty in any field, whichever field you are going in, do that, and that will enable this thing. And the third is developing a new skill set. Every day think about what is the other skill set that I could learn, right? It could be a language, it could be something you do at home, it could be cooking, it could be something or the other. Any skill set that you develop, it just improves your attitude. Thank you so much, Colonel Subin Balakrishnan, for giving us your time, for letting me pick your brains, for telling us all the things you told us, for all the privilege of this conversation that I have had, for sharing, for inspiring, for being who you are, and for coming on to the show. I can't thank you enough. I hope that you continue to inspire in this way. And before I end this, I want to ask the audience, if you have learned something from this, if you understand something, क्या समझे एग्जैक्टली, लेट मी नो इन दैट कॉमेंट्स. ऑल्सो लेट मी नो इफ़ यू वॉन्ट अ पार्ट टू. अगर है तो फिर मैं सर के साथ इंसिस्ट करूँगा और कोशिश करूँगा कि पार्ट टू भी हो. और किस टाइप के क्वेश्चंस आप चाहेंगे सर से जानने, लेट मी नो एंड वील ट्राई टू फिगर आउट वे टू मेक दैट हैपन. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू रवि, इट्स एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज टू बी हियर. यू बीन अ वेरी कॉन्वर्सेशनलिस्ट होस्ट एंड आई एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.